please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इस वक्त की बड़ी खबर आशीष सिंह दे रहे हैं मुंबई से। मुंबई के कमला मिल्स हादसे के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे वन अबव रेस्टोरों के मालिक आरोपी अभिजीत मानकर के करीबी विशाल करिया को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए विशाल पर अभिजीत से संपर्क रखने और उसकी मदद करने का आरोप है। साथ ही विशाल के पास से आरोपी अभिजीत की कार भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि वन अबव के फरार मालिक अभिजीत मानकर, कृपेश सांघवी और जिगर सांघवी को पुलिस ने फरार घोषित किया है। तो वन अबव के मालिक अभिजीत का साथी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए विशाल पर अभिजीत से संपर्क रखने और उसकी मदद करने का आरोप है। अभी भी वन अबव रेस्टोरेंट का मालिक अभिजीत मानकर फरार चल रहा है। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अभिजीत मानकर के अलावा कृपेश सांघवी और जिगर सांघवी को पुलिस ने फरार घोषित किया हुआ है। माना यह जा रहा है कि आरोपी अभिजीत मानकर के जो करीबी विशाल को गिरफ्तार किया गया है उससे कई अहम जानकारियां पुलिस को हासिल होंगी, जिससे अभिजीत मानकर के बारे में और जानकारी जुटाई जा सकती है और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो कमला मिल्स हादसे में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि विशाल ने अभिजीत से संपर्क रखा, अभिजीत की गाड़ी भी उसके पास से बरामद की गई है। पुलिस और अहम जानकारियां हासिल करने में जुटी हुई है क्योंकि वन अबव रेस्टोरों की लापरवाही सामने आई थी, जिसकी वजह से कई जाने चली गई थी और एक तरह से वहां पर फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं किए गए थे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा इसको लेकर के पोस्टर्स भी जारी किए गए हैं। ये कार बरामद की गई है। बताया ये जा रहा है कि ये वन अबव रेस्टोरों के मालिक आरोपी अभिजीत मानकर की कार है। विशाल करिया के पास से ये बरामद की गई है। इसके अलावा अभिजीत से लगातार संपर्क में था विशाल, लगातार बातचीत कर रहा था और अब विशाल पुलिस को अभिजीत के बारे में बता सकता है कि इस वक्त अभिजीत कहां पर है, क्योंकि कमला मिल्स हादसे के बाद एक तरह से पुलिस ने कई जगह छानबीन की लेकिन अभी तक अभिजीत के बारे में कोई अहम सुराग नहीं मिला है। फोनलाइन पर मौजूद है हमारी सहयोगी अलीशा, उनसे बातचीत करते हैं। अलीशा, अभी विशाल की गिरफ्तारी हुई है, क्या भूमिका रही है विशाल की इस मामले में? जिस तरीके से बताया कि उनका मालिकों को आश्रय देने का आरोप था, साथ ही इतना भी बताया कि उन्होंने जितने भी मालिक थे इस पूरे हादसे में, तो उन्होंने काफी मदद की थी उनको छुपाने की, उनको काफी हेल्प की थी हर चीज से बचाने की। तो इसी के बाद विशाल को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद ये साफ खुलासा हो गया है कि पूरे अग्निकांड के बाद जिस तरीके से उनको छुपाया गया था, इसमें आग जो लगी थी, पुलिस ने विशाल करिया के नाम को एक शख्स को गिरफ्तार किया है। वैसे आरोपी विशाल करिया वन अबाव के फरार मालिक जो अभिजीत मानकर है उनके संपर्क में भी होने के साथ थे, और साथ ही मदद के अलावा अभिजीत मानकर के कार में भी विशाल करिया के पास के रिकवर की गई है। तो अभी जो वन अबाव के आरोपी अभिजीत जो फरार है, पुलिस का इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और साथ ही जल्द इस बात पर खुलासा भी हो जाएगा और उसकी भी गिरफ्तारी जल्दी सामने आ जाएगी। बिल्कुल अलीशा, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ 8 मुठभेड़ों में एक इनामी अपराधी को मार गिराया, जबकि 15 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ से लेकर मुरादाबाद और आजमगढ़ तक हुई इस मुठभेड़ों में कई इनामी बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए, जबकि कई को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ों के ताजा सिलसिले की शुरुआत मेरठ से हुई, जहाँ गश्त के समय पुलिस को खानपुर के जंगल में बदमाशों के छिपे होने की खबर मिली। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें 10,000 का इनामी बदमाश चांद घायल हो गया। घायल बदमाश चांद को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जैसे ही पुलिस इसकी घेराबंदी की, इसने पुलिस के ऊपर फायर किया और गन्ना का खेत था वहाँ, गन्ने खेत में भागा। पुलिस ने भी इस पर क्रैश फायरिंग करते हुए अपना आत्मरक्षा चारों तरफ से इसके घेराबंदी करके इसको गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। जो एक मुकदमा था उसमें वांछित चल रहा था, इसमें 10,000 का इनाम भी था। उधर मुरादाबाद में भी देर रात पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश अकबर गोली लगने से घायल हो गया, जबकि बदमाशों की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। घायल बदमाश अकबर के खिलाफ 31 केस दर्ज हैं और वो कई मामलों में फरार चल रहा था। कुंदरकी थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगा ठेर के जंगल में, वहाँ
पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अंतर जनपदीय कुख्यात अपराधी है जिसके विरुद्ध 30 अभियोग पंजीकृत है। तो यूपी में पिछले 24 घंटे में 8 मुठभेड़ हुई। आजमगढ़ में 25,000 का इनामी बदमाश मारा गया। इसके अलावा वाराणसी की अगर बात करें तो 50,000 का इनामी बदमाश समेत 5 गिरफ्तार किए गए हैं। गोरखपुर में मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार किया गया। अमरोहा से 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। तो 24 घंटे में 8 एनकाउंटर, एक एक करके हम आपको इलाकों के बारे में बता रहे हैं। सहारनपुर से 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। मुजफ्फरनगर से 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में मुठभेड़ में 1 बदमाश जख्मी हुआ है। वहीं मुरादाबाद में मुठभेड़ के बाद 1 बदमाश को गिरफ्तार किया गया। आपको बताते हैं कि योगी राज में अपराधियों के खिलाफ अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई। 2017 में 895 मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 26 अपराधी ढेर हुए हैं। 2,186 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा शिकंजे में 1,680 इनामी अपराधी, इसके अलावा मुठभेड़ों में 196 अपराधी घायल हुए हैं। 123 गैंगस्टर की संपत्ति भी अभी तक जब्त हुई है। यूपी में एनकाउंटर युग इसे कहा जा सकता है। 110 अपराधियों पर NSA लगा। उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उत्कर्ष, हमने तमाम एनकाउंटर्स की बात की और अभी भी जो है एनकाउंटर्स का सिलसिला जारी है, पुलिस को इसमें क्या कामयाबी मिली है और आगे पुलिस की इन मुठभेड़ों को लेकर की क्या रणनीति है? देखिए, लगातार साफ तौर पर यूपी पुलिस का एक बदला हुआ रुख, बदली हुई तस्वीर नजर आ रही है। अगर 48 घंटे में करीब 9 एनकाउंटर होते हैं जिसमें 17 अपराधी गिरफ्तार होते हैं और 17 अपराधियों में से करीब 15 ऐसे अपराधी हैं जो कि इनामी अपराधी हैं जिनके ऊपर हजारों के इनाम घोषित थे, तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की अपराधियों की धरपकड़ में ये बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ अगर संगठित अपराध करने वाले या इनामी अपराधियों की बात करें तो 1500 से ज्यादा इनामी अपराधी 2017 में पकड़े गए हैं। 100 से ज्यादा ऐसे अपराधी हैं जो बेहद गंभीर थे, कई ज्यादा मामलों में 50 से ज्यादा मामलों में वांछित थे, जिनके ऊपर NSA तक लगा है। ऐसे अपराधियों की धरपकड़ भी इन एनकाउंटर के जरिए हो पाई है। तो कहीं ना कहीं यूपी में सरकार बदलने के बाद यूपी पुलिस का बदला हुआ रवैया, बदला हुआ रुख भी नजर साफ देखने को मिल रहा है। उत्कर्ष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अवैध शराब की दुकानों के खिलाफ महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। अवैध शराब की दुकानें न हटाए जाने पर खफा महिलाएं बाजार में पहुंची और जमकर तोड़फोड़ की। यही नहीं, महिलाओं ने शराब की कई पेटियों को आग के हवाले भी कर दिया। महिलाओं का आरोप है कि शराब की दुकानों के खिलाफ कई बार प्रदर्शन के बाद भी प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। कमा के आते हैं जो भी दारू पी लेते हैं, हमारे बच्चों को बिस्तर नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, काफी महिलाएं रो रही परेशान है, पीड़ित है। यदि ऐसे होता है हमारी महिलाओं को बहुत कष्ट है। आते हैं औरतों को घर में मारपीट करते हैं, बच्चों को मारते पीटते हैं, खाना नहीं बनता है, कुछ भी मिलता नहीं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है। पटना मोकामा पैसेंजर ट्रेन में मंगलवार की देर रात भीषण आग लग गई। मोकामा में लगी आग में ट्रेन की 6 बोगियों में बुरी तरह से जल गई। ट्रेन में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि ट्रेन पूरी तरह खाली थी और यात्रियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे सहयोगी, उनसे बातचीत करते हैं। चंद्रमोहन, राहत की बात ये रही कि कोई यात्री इसमें घायल नहीं हुआ, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन शुरुआती जांच में क्या बात सामने आई है? ओएचई बचाएगा कम से कम। बिल्कुल, देखिए, ट्रेन में आग लगने के बाद यहाँ पर स्पेशल टीम एक पहुंची है जो वहाँ पर पहुंचकर जांच कर रही है कि आखिर इस आग लगने के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि ट्रेन जो है वो मोकामा से पटना और फिर पटना से मोकामा के बीच चलती है और आज सुबह 5:30 पर फिर मोकामा से उसको पटना आना था, लेकिन उससे पहले इस ट्रेन में आग लग गई जब यह यार्ड संटिंग यार्ड में खड़ी थी। ऐसे में जो अधिकारी पहुंचे हैं वो पूरी तरह से जांच कर रहे हैं कि आखिर इस आग के पीछे वजह क्या है और किनकी गलती से ये आग लगी है। और कहा यह जा रहा है रेलवे प्रशासन की तरफ से कि जो लोग भी इस पूरे मामले में दोषी पाए गए, जिनकी भी लापरवाही पाई गई, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चंद्रमोहन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
इस वक्त की बड़ी खबर उत्कर्ष चतुर्वेदी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में 3 तलाक का एक और मामला सामने आया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके पति ने फोन पर ही उसे 3 तलाक दे दिया। अब पीड़ित महिला न्याय पाने के लिए दर-दर की ठोकर खा रही है। कौशाम्बी के चकनगर की रहने वाली रोजी बेगम की शादी मोहम्मद शोहराब उर्फ असलम से हुई थी। रोजी का आरोप है कि उसका पति शराब का आदी है और वो अपनी लत पूरी करने के लिए उस पर नाजायज काम करने के लिए दबाव बनाता है और बात नहीं मानने पर उसे प्रताड़ित भी करता है। करीब 15 दिन पहले रोजी का पति बिना बताए बच्चों को लेकर कहीं चला गया। 2 दिन पहले दूसरे के मोबाइल से उसके पति ने जो है उसे फोन पर ही तलाक दे दिया। ऐसा क्या हुआ कि 2 महीना पहले हमारा आदमी मदरसे से बच्चे लोग को लेके चले गए और कल सुबह जो कि दूसरे के मोबाइल से वो हमको तलाक दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का काम जजमेंट देना है, फैसले करना है, कानून की रोशनी में। कानून बनाना नहीं है यह, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि वो कानून बनाने की सिफारिश कर रहे हैं। इस तरह जो कानून बनाए वो जानते हैं कितना मतलब नाकिस कानून है। जो मारूफ तरीफे हैं कानून की वो उसमें भी नहीं आता। तरह के जो मामले हैं अब पुलिस को रजिस्टर करने चाहिए, उसमें छानबीन होनी चाहिए। अगर उसने 3 तलाक दिया है तो वो गैरकानूनी है, और अगर उसको 3 तलाक देना है तो उसको लॉ को अवॉइड करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अगर कानून में जब तक नहीं है तो उसको तो खारिज ही करते हैं। तो मुझे लगता है कि पुलिस ने उसको एक अच्छी तरह से उसको इन्वेस्टिगेट करके महिला को न्याय देना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के हमीरपुर से, जहां पर बीजेपी के नगर पंचायत अध्यक्ष पर एक और महिला को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक विधवा महिला नगर पंचायत अध्यक्ष के पास अपने पति के मकान को अपने नाम पर करवाने के लिए अर्जी लेकर आई थी, मगर उसके पास कागजात पूरे नहीं थे। इस पर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। इस पर नगर पंचायत अध्यक्ष शेफाली सिंह ने महिला के साथ आए आदमी से उसे बाहर ले जाने को कहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी महिला शांत नहीं हुई और बात थप्पड़ तक पहुंच गई।